नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारा। बच्चों, ये आज प्रथम वर्ष की कक्षा के कुछ अभिलेख संबंधी टॉपिक जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले तो अभिलेख क्या होते हैं और इतिहास को जानने के स्रोत हमारे पास क्या क्या हैं, उस पर संक्षिप्त सी जानकारी उससे पहले मैं देना चाहती हूँ। प्राचीन या मध्ययुगीन या आधुनिक काल का भी इतिहास हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा नहीं हुआ करता है कभी भी। हमें पुरानी घटनाएं जो भी हुई उनमें पुराने समय से जो हमें सामग्री मिलती है उसके आधार पर उन घटनाओं को, जिन्होंने मनुष्य के जीवन को, देश की राजनीति को, समाज को, धर्म को प्रभावित किया, वो सारी मुख्य घटनाएँ हम इतिहास में पढ़ते हैं। अब इनकी जानकारी के भी दो तरह के स्रोत होते हैं। एक स्रोत तो होता है साहित्यिक स्रोत, जिसमें उस दौरान या आज के समय में लिखी गई पुस्तकें हुआ करती हैं। दूसरी होती हैं पुरातात्विक स्रोत, कुछ सामग्री। सामग्री कई प्रकार की हो सकती है, जिनमें अभिलेख, सिक्के, मोहरें, भवन, मूर्तियाँ, ये सारी प्राचीन जो है समाज की छवि, समाज, रहन सहन, वस्त्र, इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण है। इन पुरातात्विक स्रोतों में अगर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है उसकी बात करी जाए तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण हम अभिलेखों को मानते हैं। अभिलेख जो है इतिहास के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत का ही एक प्रकार है। बच्चों, पुराने समय में जो बड़े महत्वपूर्ण राजा हुआ करते थे, वो अपनी उपलब्धियाँ आने वाली पीढ़ियों को याद रहे, उनको स्थायी बताने के लिए, इसके अलावा अपनी राजाज्ञाएं जारी करने के लिए और अपनी प्रजा को कुछ संबोधन करने के लिए, अपने विचारों से अवगत करवाने के लिए, वो कई जगहों पर, जगह जगह पर अभिलेख खुदवा दिया करते थे। अब ये अभिलेख खोदे किस पे जाते थे, ये आप क्योंकि इतिहास के लिए नए हो, तो अभिलेख जो है ठोस सतहों पर कई जगह खोदे गए। ये नहीं है कि सिर्फ खंभों पर ही मिले हैं या चट्टानों पर ही मिले हैं, अभिलेख कई जगह पर मिले हैं, पत्थरों पर, खंभों पर। जब पत्थरों पर मिले हैं तो शिलालेख, स्तंभ पर मिले हैं तो स्तंभलेख, गुफाओं पर मिले हैं तो गुहालेख, कई बार सिक्कों पर भी छोटे मोटे अभिलेख मिलते हैं, मोहरों पर, मूर्तियों पर। और जब पुराने समय में भूमिदान किया करते थे राजे महाराजे या उनसे नीचे के जो सामंत हैं, जब भूमिदान किया करते थे तो ताम्र पत्र पर, तांबे के पतले पतले पत्थरों पर जो है वो अभिलेख खुदवा दिया करते थे, ताकि ये दान जो है वो स्थायी हो जाए। अब अभिलेख से हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिला करती है। अगर किसी शासक का अभिलेख है तो उसमें शासक की उपलब्धियाँ, उसकी कोई उपाधि हो तो वो किस वंश से संबंधित रखता है, उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, प्रत्यक्ष रूप से अगर अभिलेख में लिखा होगा तो हमें उसके बारे में जानकारी मिल सकती है, और नहीं तो जैसे अशोक के अभिलेख जो हैं हमको उत्तर पश्चिम तक मिलते हैं, अफगानिस्तान तक मिलते हैं, दक्षिण में कर्नाटक तक मिलते हैं, लेकिन बंगाल में नहीं मिलते, बांग्लादेश में नहीं मिलते, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि बांग्लादेश जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, अफगानिस्तान था, कर्नाटक तक जो है भारत का हिस्सा जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। तो साम्राज्य की जानकारी मिल जाती है, उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो कि बड़ी ही प्रसिद्ध है, उसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है, साथ ही साथ वो अच्छा कवि था, संगीत का ज्ञाता था, ऐसी बातों की भी जानकारी हमें अभिलेखों से मिल जाया करती है। अशोक ने अपने अभिलेख में, जो 13वां उसका अभिलेख था, उसमें कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा करी है कि कैसे कलिंग युद्ध में इतनी अधिक मात्रा में लोगों की हत्याएं हुई, कई लोग मारे गए, गुलाम बना दिए गए, और उससे जो है उसने अपनी नीति परिवर्तित कर दी और धम्म विजय की नीति उसने अपना ली, तो उसके जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अभिलेखों से उनकी उपाधियों के बारे में कि गुप्त शासक जो है वो कौन सी उपाधियाँ धारण किया करते थे, अशोक की उपाधि हमेशा उसकी मिलती कर, उसके अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी मिला करती है। इसके अलावा उनकी धार्मिक रुचियों के बारे में भी पता चलता है। अशोक बौद्ध धर्म के बारे में, उसका भाबरू जो बैराट जयपुर से जो स्तंभ लेख मिला उसमें वो बुद्ध
धर्म और संघ की वंदना करता है, तो उसके बौद्ध धर्म के झुकाव के प्रति इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। अब अभिलेखों का अध्ययन जो है बच्चों, वो एक अलग ही इतिहास में शाखा चलती है, क्योंकि पुराने समय में ना तो ये लिपियाँ प्रचलन में थी और ना ही ये भाषाएँ प्रचलन में थी। आज जो है हम हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में प्रयोग में लेते हैं, संस्कृत लिखने के लिए अंग्रेज़ी रोमन लिपि में लिखते हैं, लेकिन उस दौरान जब हम अशोक के काल तक की बात कर रहे हैं तो ये ना तो लिपियाँ प्रचलन में थी, ना ही ये भाषाएँ, संस्कृत भी बहुत लेट जा करके अभिलेखों की भाषा बनी है। तो इन पुराने अभिलेखों को जब पढ़ते हैं तो इनका एक अलग से विज्ञान चलता है, इसको पुरालिपि शास्त्र या अंग्रेजी में एपिग्राफी कहा जाता है। अब अभिलेखों की बात आती है, हम थोड़े से जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं हमें मिलना शुरू हुए हैं, क्या क्या उनकी भाषाएं थी, क्या बड़े बड़े परिवर्तन धीरे धीरे अभिलेखों में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो जो पहले पहल अगर हिंदुस्तान के भारत के इतिहास में हम देखें कि अभिलेख मिलना कहाँ से शुरू होते हैं, तो जो सबसे पुराने अभिलेख हमें मिले हैं वो मिले हैं सिंधु घाटी में। अधिकांश अभिलेख मोहरों पर खुदे हैं आप जानते हो, लेकिन ये अभिलेख अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। मोहरों पर खुदे हैं 250 के आसपास, उसमें चिन्ह हैं छोटे मोटे, लिपि जो है वो दाएं से बाएं यानी राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, लेकिन इसके अलावा ये अभिलेख हमें और कोई भी जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम आज तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। अब पढ़ नहीं पाने का कारण है, आप भी सोचोगे 1921 में खोज हो गई और आज 100 साल होने आए, हम अभी तक पढ़ क्यों नहीं पाए, क्योंकि सिंधु घाटी से एक भी दो भाषा वाला लेख नहीं मिला है। अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने उसके यूनानी अभिलेखों के आधार पर ही पढ़ा था। अब उसके बाद में जो एक 1400 ईसा पूर्व, हालांकि भारत का अभिलेख नहीं है, ईरान में मिला है, लेकिन फिर भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान में बोगस्कोई नामक जगह है, वहाँ से एक अभिलेख मिला है, उसमें हमारे कुछ वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इनके नाम जो है इस अभिलेख पर हमें मिलते हैं। यानी शायद प्राचीन ईरान में और प्राचीन भारत में एक ही तरह के देवताओं की पूजा अर्चना की जाया करती थी। इसके अलावा ईरानी जो शासक था दारा, उसने जब भारत को जीता तो उसके अभिलेख, तीन अभिलेख हैं, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम और बेहिस्तून। उसके इन अभिलेखों में भारत के फैले उसके साम्राज्य के बारे में पता चलता है। उसी को आगे ग्रहण करके ईरानी सम्राट को शायद अशोक ने जो है अपने अभिलेख खुदवाए, नियमित रूप से उसने अभिलेख खुदवाए, अपने पूरे साम्राज्य में चारों तरफ जगह जगह शायद वो अभिलेख खुदवाए गए थे। हमें कई जगहों से मिलते हैं, अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक, उत्तर प्रदेश, बिहार, बड़े ही विस्तृत उसके साम्राज्य कलिंग तक अशोक के अभिलेख हमें मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा जो है प्राकृत है, हालांकि आप जब अफगानिस्तान में जाते हैं, क्योंकि यूनानियों का प्रवेश हो चुका था, तो वहाँ हमको यूनानी में भी अभिलेख मिलते हैं। और इसी लिपि के आधार पर बहुत आगे जाकर के जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने में सफलता अर्जित की, और ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व दुनिया के प्रथम ऐसे शासक से परिचित हुआ जिसने कि युद्ध नहीं करके जन कल्याण को अपना लक्ष्य बनाया। और उसके इस अभिलेख ही जो है अशोक के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने के सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़े महत्वपूर्ण स्रोत साबित हुए हैं। अब जैसा मैंने बताया, अशोक के अभिलेख जो हैं वो संस्कृत भाषा में नहीं थे, प्रारंभिक अभिलेख अधिकांशतया प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। जो संस्कृत का पहला अभिलेख हमें मिलता है वो किसी भारतीय मूल के शासक का नहीं है, वो है शक शासक रुद्रदामन। शक बाहर से आए थे, शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की भाषा संस्कृत है। ये संस्कृत में खुदा गया पहला अभिलेख माना जाता है। इसके अलावा और कुछ प्रसिद्ध अभिलेख हैं। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको इन अभिलेखों के बारे में थोड़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इनमें एक अभिलेख है, कलिंग का एक शासक था महत्वपूर्ण खारवेल, उसका अभिलेख हमें हाथी गुम्फा, गुफा लेख है ये,
यहाँ से मिला है। इसमें खारवेल की उपलब्धियों के बारे में, उसकी विजयों के बारे में वर्णन मिलता है। इस शासक के बारे में जानने का एकमात्र स्रोत हमारे पास यही अभिलेख है। उसके बाद गौतमीपुत्र शातकर्णी, सातवाहन या शातकर्णी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था गौतमीपुत्र शातकर्णी। उसकी उपलब्धियों का लेखा जोखा नासिक गुहा लेख में मिलता है। इसके अलावा चालुक्य वंश, बादामी के जो चालुक्य थे उस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इसने उत्तर भारत के अंतिम महान शासक हर्ष को रेवा नदी के किनारे एक युद्ध में परास्त किया था और हर्ष का जो पूरे भारत के एकीकरण का सपना था वो यहीं धूमिल हो गया था। उसकी इस विजय का विवरण भी एहुल अभिलेख में मिलता है। इसकी रचनाकार है रवि कीर्ति। अगला जो अभिलेख है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति या कई बार इलाहाबाद स्तंभ लेख से भी नाम आ जाता है। इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। इस अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने की है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों हैं इसमें। चंपू शैली जिसको कहा जाता है, इसमें समुद्रगुप्त की सारी उपलब्धियों का वर्णन है। उसने उत्तरी भारत के राज्य जब जीते तो उनके प्रति क्या नीति अपनाई, आर्टविक राज्यों के प्रति, दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। इसके अलावा जो शक कुषाण मुरुंड थे उनके प्रति क्या नीति अपनाई, अलग अलग देश उसने जीते, उनके शासकों के साथ अलग अलग किस प्रकार उसने नीतियाँ अपनाई। इसके अलावा उसके धर्म के बारे में, उसकी रुचियों के बारे में, उसके व्याकरण और संगीत के प्रकांड पंडित होने के बारे में उस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा और भी कुछ अभिलेख हैं जो कि हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। स्थानीय स्वशासन जो कि चोल शासकों की सबसे बड़ी विशेषता थी, उत्तर मेरूर अभिलेख में चोल जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी हमें मिलती है और हमें बताता है कि प्राचीन समय से ही भारत में किस तरह से स्थानीय स्वशासन का विकास होता जा रहा था। तो बच्चों, ये था हमारे इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों का छोटा सा एक ब्यौरा जो कि आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। इतना कहकर ही अपने शब्दों को और इस लेक्चर को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।